तो इस क्वेश्चन में हमें द नंबर ऑफ रूट्स बिटवीन 0 एंड पाई ऑफ द इक्वेशन 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 3 साइन एक्स के पूछे हैं कि कितने नंबर ऑफ रूट्स हैं, 2, 4, 1 या 3। ठीक है, तो जिस तरीके से हमने लास्ट क्वेश्चन में ये सॉल्व किया था कि अगर हमें कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाती है अकॉर्डिंग लाइक दिस, कि हमें यहाँ पर 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 3 साइन एक्स दिया है और हमसे बोला जाए कि नंबर ऑफ रूट्स को आपको फाइंड करना है, तो हम बेसिकली इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का प्रयास करते हैं। तो नंबर ऑफ रूट्स ढूंढने के लिए ही हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्रिएट करते हैं जो हमें टर्म्स दिए होते हैं उनकी मदद से। तो हमें यहाँ पर पहले से ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, 3x 3 sin x को हम इस बाजू ले आएंगे, प्लस 1 वहीं का वहीं रहेगा, इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमें यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई। अब हमें इसके आगे नंबर ऑफ रूट्स को फाइंड करना है। हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? अब पिछले वीडियो में मैंने आपसे ये कहा था कि आप डिस्क्रिमिनेंट हमेशा पहले चेक कर लीजिए कि क्या वो 0 से बड़ा है, तो हम आगे की प्रोसेस को जारी रखेंगे। अगर नहीं है तो हम यहीं पर इस सवाल को एंड कर देंगे और इसकी वैल्यू को, मतलब जो इसका फाइनल आंसर आएगा नंबर ऑफ रूट्स, वो 0 हो जाएगा। कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर इस इक्वेशन के बी स्क्वायर माइनस 4 AC की वैल्यू अगर 0 से बड़ी आती है तो हम इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे, इस इक्वेशन को हम आगे सॉल्व करेंगे। और अगर लेकिन बी स्क्वायर माइनस 4 AC की वैल्यू 0 से नेगेटिव आती है, यानी कि कोई नेगेटिव वैल्यू आती है इस बी स्क्वायर माइनस 4 AC की, तो हम कह देंगे कि भैया देर आर नो रियल सॉल्यूशंस आर देयर, इसका आंसर 0 आएगा। तो हम यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट चेक कर सकते थे। आपने एक बात नोटिस की ना कि मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कि ऑप्शंस हमारे पास हैं 2, 4, 1 या 3। मिनिमम एटलीस्ट 1 या 1 तो सॉल्यूशन है ही, तो इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट चेक कर कर भी कोई फायदा नहीं है। कर भी लेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, बट आप ऑप्शंस पे नजर डालिए, 2, 4, 1, 3 है। अगर यहाँ पर 0 होता तो हम मेक श्योर ये कंफर्म कर लेते कि क्या डिस्क्रिमिनेंट 0 है या नहीं, मतलब 0 से बड़ा है या नहीं, तो फिर हम आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते। बट यहाँ पर तो 0 दिया ही नहीं है, तो क्या करेंगे हम डिस्क्रिमिनेंट को ढूंढ के? तो फाइनली जो हमारा क्वेश्चन है हम उसे सॉल्व करने चालू करते हैं। द नंबर ऑफ रूट्स को फाइंड करते हैं, कैसे फाइंड कर सकते हैं? तो चलिए, ऊपर तक हमने यहाँ पर -3 sin x + इज इक्वल टू 0 इस तरीके से हमने लिखा, मतलब बेसिकली हमारे पास ये इक्वेशन आ चुकी है। अब हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं? सिंपली यार, जो फैक्टर या जो भी आप कहते हैं ऐसे उस वो आपको करना है, तो इसको आप -2 sin x -3 sin x में पुट कर सकते हैं, +1 = 0। यानी कि ये जो बीच वाला मिडल टर्म है इसको हमने इन दो टर्म्स में आधा आधा बांट दिया, यानी कि जब इसको वापस से हम यही करेंगे तो 3 sin x वहीं का वहीं आ जाएगा। ठीक है, अब आगे क्या कर सकते हैं कि, और देखिए एक और चीज़ यहाँ पर मैं बताया था, जिन लोगों को ये छोटी अगर ये नई चीज़ पता तो मैं आपको बता देता हूँ कि हमने इसको इस तरीके से दो टर्म्स में डिवाइड इसलिए किया क्योंकि अब हम इन दो टर्म्स को और इन दो टर्म्स को, यानी कि साइन एक्स एंड प्लस वन को और यहाँ से 2 sin² x -2 sin x को एक एक ग्रुप में लेंगे। यानी कि अब ये ग्रुप हमारा है और एक ये ग्रुप अब हमारे पास है, दोनों में से जो है हम टर्म्स को कॉमन लेंगे और फिर हमारे पास कुछ पेयर्स आएंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं कि ये हमारे पास ये वाला जो ग्रुप है इसमें से हम 2 sin x कॉमन ले सकते हैं। जी बिल्कुल लिया। अब साइन एक्स यहाँ पर बच रहा है तो ये साइन एक्स हमने यहाँ लिया, यहाँ से 2 sin x तो पूरा ही आ गया बट -1 यहाँ पर बचा रह जाएगा। ठीक है, इस वाली इक्वेशन को लिखने से पहले हम पहले बिना कुछ कहे साइन एक्स -1 को लिख देते हैं, इज इक्वल टू 0 लिखते हैं। अब यहाँ पे किस चीज़ का मल्टीप्लाई करें कि साइन एक्स आए? मेरे हिसाब से -1 का मल्टीप्लाई करने पर चीज़ सही आएगी, क्योंकि -1 का जब -1 में करेंगे तो +1 आ जाएगा। ठीक है, अब ये पेयर हमारे पास सेम है तो इसको हमने एक लिख लिया कॉमन मानकर, और मल्टीप्लाई में ही एक और 2 sin x -1 इस तरीके से हमने एक और पेयर लिख लिया, इज इक्वल टू 0 किया। तो अब हमारे पास दो पेयर्स आ चुके हैं, एक ये दोनों को हम 0 के इक्वल रखेंगे और फाइनली साइन एक्स की वैल्यूज को फाइंड करेंगे। तो साइन एक्स -1 इज इक्वल टू, हमने 0 पुट किया तो यहाँ पर जो -1 है वो दूसरे बाजू जाएगा, 1 हो जाएगा, और यहाँ पर साइन एक्स की वैल्यू अभी 1 आ रही है, इसे अभी हम आगे सॉल्व करेंगे।
बट उससे पहले दूसरे इसको भी देख लेते हैं कि यहाँ पर ये 2 sin x इज इक्वल टू, ये 1 हो जाएगा जब इसको 0 की इक्वल रखेंगे, एंड साइन एक्स इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा, यानी कि हाफ आ जाएगा। तो ये हमारे पास दूसरा साइन एक्स आ रहा है। अब हमें बेसिकली एक्स की वैल्यूज फाइंड करनी है, ना कि साइन एक्स की। तो आप ये बताइए क्या साइन एक्स की कितनी वैल्यूज 1 के इक्वल आती हैं? और बेसिकली हमें ध्यान रखना है कि जो हमारा इंटरवल है वो 0 से पाई के बीच में हो, मतलब कि जो कोई भी एक्स की वैल्यूज आएंगी वो 0 से बड़ी होनी चाहिए और पाई से छोटी होनी चाहिए, ठीक है? तो साइन एक्स यानी साइन में एक की वैल्यू कब कब आती है? भाई मेरे हिसाब से तो साइन 90 के टाइम पर आती है 1 की वैल्यू, और साइन 90 को हम जो है π/2 लिख सकते हैं। तो साइन एक्स इज इक्वल टू साइन π/2 हम लिख देते हैं, ठीक है? और एक्स की वैल्यू इस तरीके से हमारे पास π/2 आ जाती है। कैसे आ जाती है कि साइन एक तरीके से हम कैंसिल कर देते हैं, एक्स की वैल्यू π/2 आ जाती है। तो एक्स की वैल्यू हमारे पास π/2 आ गई, ठीक है? एक्स की वैल्यू यहाँ पर 1 हो गई। बट हम और चेक करेंगे, यानी कि अभी इसके आगे का हम सॉल्यूशन और देखेंगे, बट उससे पहले बाजू में इसको भी लेकर चलते हैं साथ में, कि साइन एक्स की वैल्यू यानी कि साइन की वैल्यू हाफ और कहाँ कहाँ होती है, मतलब हाफ कहाँ पर हो सकती है। तो मेरे हिसाब से 0 30 साइन 30 पे ही हाफ की वैल्यू होती है, और 30 को हम π/6 कहते हैं। सो साइन एक्स इज इक्वल टू साइन π/6, ये हमारी नेक्स्ट वैल्यू है, मतलब इसका 1/2 के प्लेस पे 5/6 लिख सकते हैं। तो साइन से यहाँ साइन एक तरीके से कैंसिल किया हमने, और एक्स की वैल्यू 5/6 हमारे पास आ चुकी है, ठीक है भैया? ये भी हो गई। अब इसके अलावा क्या पूरे मतलब 0 से पाई के इंटरवल में क्या और एक्स की वैल्यू क्या 1 नहीं हो सकती, क्या 1/2 नहीं हो सकती? तो चलिए वो भी चेक करते हैं कैसे कर सकते हैं। यानी कि हमारे पास एक्स की 2 वैल्यू तो आई चुकी हैं, π/2 एंड π/6, और देख लेते हैं क्या ये और वैल्यूज हैं कि नहीं। तो ये जो π/2 है ये बेसिकली 90 है। अब अगर हम एक और जो है वैल्यूज की फाइंड करना जाएंगे तो उसके लिए हमें एक चक्कर और लगाना पड़ेगा, तो हम बेसिकली पाई से तो ऊपर निकल ही जाएंगे, तो हम इस वाले को फाइंड नहीं करेंगे, मतलब इसके और सॉल्यूशंस एग्जिट नहीं करेंगे। मेरा कहने का मतलब ये है कि π/2 जो है हमारा 90 होता है, और जो हमारा चक्रा होता है, चक्रा बोले तो गोला, बोले तो यूनिट सर्कल, और इसमें ये जो 90 की वैल्यू होती है वो यहाँ होती है, यानी कि π/2 की वैल्यू, ये π/2 की वैल्यू यहाँ होती है। अब अगर हमें नेक्स्ट वैल्यू ढूंढनी होगी तो हमें लगभग एक इस तरीके से यहाँ तक तो जाना ही होगा, ठीक है? या फिर एक पूरा का पूरा हमें राउंड सर्कल ढूंढना पड़ेगा। हम यहाँ से केवल इधर तक, यानी कि ये पाई यहाँ पर हमारी वैल्यू है, ठीक है? यहाँ 90 है, यहाँ पाई है, तो पाई तो बेसिकली पाई से छोटी हो और 90 से सॉरी 0 से बड़ी हो, तो 0 से बड़ी, तो एक हमारे पास यहाँ वैल्यू आ चुकी है। यहाँ तो वैल्यू मुश्किल है, यहाँ वैल्यू पॉसिबली लाए हो सकती है, या पूरा एक चक्कर लगाने के बाद वापस इसी जगह पर आकर आपको एक और वैल्यू मिल सकती है साइन एक्स इज इक्वल टू 1 की। तो हमें तो ये पाई है और इस पाई से नीचे बोला गया है, तो वैल्यू नहीं है, मतलब इसके आगे नहीं है, मतलब बेसिकली उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब अगर हम एक और बात करें, फिर से एक और सर्कल बनाते हैं, और यहाँ पे हम लिखते हैं 0 π/2 एंड पाई, और क्योंकि बेसिकली हम पाई तक इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि इंटरवल पाई तक ही दिया है हमें, ठीक है? अब साइन एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स इज इक्वल टू हाफ है हमारे पास, ठीक है? साइन एक्स इज इक्वल टू हाफ है हमारे पास। अब हमें अगर इसकी एक और वैल्यू फाइंड करनी है तो हम क्या कर सकते हैं, इसको पाई में से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि देखिए पाई से हम इंक्रीज कर सकते थे, ठीक है? यहाँ पर अब चलिए मेरे को एक और छोटी चीज़ याद आई कि आप कहेंगे कि पाई से आप आगे क्यों नहीं गए। पाई से हम आगे इसलिए नहीं गए क्योंकि पहली बात तो हमें इंटरवल ही वहाँ तक दिया है, ठीक है? हमने अब देखिए इस जो साइन एक्स इज इक्वल टू हाफ है इसमें देखिए हम क्या करना चाह रहे हैं कि साइन एक्स की जो एक वैल्यू आ चुकी है वो ये आ चुकी है एक्स इज इक्वल टू π/6, ठीक है? दूसरी वैल्यू ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे कि साइन की जो वैल्यू है हाफ, क्या वो पॉजिटिव आपको दिखाई दे रही है? जी बिल्कुल दिखाई दे रही है पॉजिटिव। इस यूनिट सर्कल में साइन कहाँ कहाँ पॉजिटिव होता है? तो जी इस क्वाड्रेंट में और इस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, ये तो स्माइली बन गया गाइस। यस, इस क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव होता है, इस क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव होता है। तो यानी कि जब इधर से हम प्लस करेंगे 0 प्लस या π/2 प्लस करेंगे तो, बट π/2 अगर हमने प्लस किया
यानी कि इसमें ये पाई बाय सिक्स जो हमारा एक सॉल्यूशन आ चुका है इसी के साथ हमें खेलना होगा, ठीक है। अगर हम इसमें पाई बाय टू को ऐड करते हैं तो बहुत है, मतलब पूरा का पूरा 100% चांस है कि साइन जो है वो कॉस में चेंज हो जाएगा, जो कि हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। हमें साइन जो फंक्शन है उसी के सॉल्यूशंस को फाइंड करना है। तो हम यहाँ से पाई में से निगेटिव करेंगे, यानी कि पाई में से सब्ट्रैक्ट करेंगे किसको, इस पाई बाय सिक्स को। ऐसा किस लिए, इसलिए कर रहे हैं हम क्योंकि पाई में से सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। अब आप कहेंगे इसको क्यों नहीं सब्ट्रैक्ट किया, इसको सब्ट्रैक्ट इसलिए नहीं किया क्योंकि यहाँ वैल्यू आएगी नहीं। मैंने यह करने की मेहनत इसलिए नहीं कि आप ट्राई कर सकते हैं, अगर वैल्यू आती है तो आप मुझे बताइएगा, वैसे बिल्कुल भी नहीं आएगी। और इस वाले में हमें क्या करना है कि पाई में से इसको इस तरीके से सब्ट्रैक्ट करना है जो हमारा सॉल्यूशन निकल कर आया था। ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि यहाँ पर सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है। तो पाई में से इस तरीके से हमने जब सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास यही वैल्यू आ चुकी है। इसको हम थोड़ा सा आगे सॉल्व भी कर सकते हैं, बट एक सॉल्यूशन तो हमारे पास पक्का निकल कर आएगा ही आएगा, क्योंकि जब यहीं से ही क्लियर हो जाता है कि पाई में से अगर ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है और इस अगर क्वाड्रेंट में आ रहा है जो कि साइन एक्स की वैल्यू पॉजिटिव को सेटिस्फाई कर रहा है, तो फाइनली हमारे पास एक और सॉल्यूशन आ जाएगा। तो वही देख लीजिए, ये एक सॉल्यूशन हमारे पास, एक ये सॉल्यूशन हमारे पास, और एक ये सॉल्यूशन हमारे पास यहाँ पर निकल कर आया है। तो फाइनली हमारे पास तीन सॉल्यूशंस निकल कर आए हैं। कई लोग ये मिस्टेक कर सकते हैं कि वो केवल इन दो सॉल्यूशंस पर ही डिपेंड होकर रह जाएंगे, वो इसके आगे नहीं जाएंगे। तो ये जो मैंने आपको यूनिट सर्कल का छोटा सा जो बात बताई वो आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और मैं डिटेल में इसकी वीडियो बनाऊंगा क्योंकि एक ही क्वेश्चन में इतना ज़्यादा डीपली समझाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मैं अलग से यूनिट सर्कल के ऊपर भी एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, अगर वो वीडियो आ जाएगी तो आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी। तो फाइनली हमारे पास थ्री सॉल्यूशंस आ चुके हैं एक्स की वैल्यू। सो हमारा यहाँ पर डी इज़ द करेक्ट आंसर विच इज़ 3। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब कर दीजिएगा इस चैनल को फॉर मोर अमेजिंग वीडियोज़। It's not a game, it's a rap.